हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11 के फिजिक्स का दोलन का लास्ट लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 5th है। ये दोलन के चैप्टर का लास्ट क्लास है और इसमें मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातों को बताऊँगा जो हमारे चैप्टर में मैंने आपको बताया था, लास्ट में बताऊँगा। हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम पढ़ा, सरल लोलक का सरल आवर्ती गति। उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हमको कुछ टॉपिक इसे करने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत फ़ायदे का है ये मैं आपको बता दूं, वो है अनअकैडमी का आज इन्फ्लुएंसर्स डे, आज ही 27 को। तो आज इन्फ्लुएंसर डे में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अनअकैडमी के 7 टॉप मेंटर्स, आपके फेवरेट मेंटर्स आपको गाइड करेंगे नीट 2022 के एग्ज़ाम के लिए। जो इसमें आपका क्लास का शेड्यूल आप देख रहे हैं, आपको 3 PM से आज क्लास स्टार्ट होगा। 3 to 4 मेरा क्लास है जिसमें मैं आपको 45 डेज में नीट प्रिपरेशन की प्लानिंग पर डिस्कस करूँगा। फिर सुनील सर का क्लास है 4 to 5, फिर सुदर्शन सर का क्लास है 5 to 6, फिर आयुष कुमार सर का क्लास है 6 to 7, फिर 7 से 8 क्लास है अथर्व सर का, प्रशांत तिवारी सर का क्लास है 8 to 9 और रेणुका मैम का क्लास है 9 to 10। तो कंटिन्यूस ये क्लास 3 से स्टार्ट होगा। आप ये क्लास ज्वाइन करिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इस क्लास का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा क्लास आप ज्वाइन करेंगे 3 to 4 PM पर आज क्लास है, आज ही। आप ध्यान रखिए, इस वीडियो को देखने के थोड़ी देर बाद एक क्लास होगा, इसलिए मैं आपको उसी टाइम पर यह इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए JP Sir Live। क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप JP Sir Live कोड यूज़ करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है अनअकैडमी का, वो है अनसेट एग्ज़ाम, जिसमें अनअकैडमी का नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, ये टेस्ट है ऑफलाइन टेस्ट है। जो ऑफलाइन टेस्ट आप समझ रहे हैं कि ऑफलाइन सेंटर्स पर होंगे ये, और ये IIT JEE के लिए, NEET UG के लिए एंड क्लास 9 एंड 10th के लिए अक्रॉस 40 cities ऑफ द इंडिया, भारत के 40 शहरों पर ये ऑफलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको इस वीडियो के नीचे जो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दूंगा, वहाँ पर आपको पूरे 40 cities के डिटेल मिल जाएंगे। आपको सारा डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करने के लिए, ये एग्ज़ाम होगा June 4 and 5, 4 और 5 June को ये एग्ज़ाम होगा। आप इसको भी ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे JP Sir Live, ये कोड आप यूज़ करेंगे। देखिए, अप टू 90% स्कॉलरशिप, 90% तक का आपको स्कॉलरशिप इसे प्रोवाइड किया जाएगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के बेस पर, जो कि टोटल 150 करोड़ से ऊपर कभी होगा। अनअकैडमी सेंटर्स एंड ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, आपको अनअकैडमी सेंटर्स पर जो ऑफलाइन क्लास होगा और उसके ऑनलाइन क्लास का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा। टॉप 40 रैंकर्स विन ए आईफोन, टॉप 40 रैंकर्स होंगे उनको आईफोन प्राइस के रूप में मिलेगा। जो टेस्ट रैंकर्स हैं उनको अनअकैडमी का जो टेकर्स हैं, जो टेस्ट लेंगे इसका, वो ऑफलाइन सेंटर में जाके आप जब टेस्ट लेंगे तो आपको अनअकैडमी का टी शर्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑफलाइन सेंटर में जाके आप एग्जाम देंगे तो आपको अनअकैडमी का टी शर्ट मिलेगा, ओके। तो आप इनरोल करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फी पर मेरे रेफरल कोड को यूज़ करने पर। तो ये हमारा एग्ज़ाम टेस्ट के लिए जो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन है। इसका टोटल पूरा डिटेल, आपको कैसे ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज़ में, कैसे जाना है आपको टेस्ट में कैसे जाना है, इसके लिए पूरा इसका डिटेल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उसका दे दूंगा, वहाँ से आप उसको इमीडिएट ज्वाइन करिए। और 4 and 5 June को आप उस क्लास के लिए रेडी हो जाइए। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप
स्कॉलरशिप पा सकते हैं, हैन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, हैन अकेडमी के सेंटर्स पे पढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस टेस्ट में आप जरूर अपेयर होइए। चलिए तो हम आगे अपना क्लास स्टार्ट करें, और हमारा जो आज का क्लास है ऑक्सीलेशन पर, वो ऑक्सीलेशन पर हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो ऑक्सीलेशन, दोलन, और दोलन का ये लास्ट लेक्चर है मेरा। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ स्पेशल कंडीशंस। हमने सिंपल पेंडुलम के लिए, सरल लोलक के लिए हमने आवर्तकाल का फार्मूला डिराइव किया। आज हम एक स्पेशल टाइप के लोलक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लोलक। इसको हिंदी में सेकेंडरी लोलक ही कहा जाता है, इसका नाम ही रखा गया है सेकेंडरी लोलक, और इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको सेकंड पेंडुलम। बहुत छोटा सा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंडरी लोलक या सेकंड पेंडुलम। हम किसे कहते हैं, देखो जिस लोलक का, मतलब पेंडुलम का, जिस लोलक का दोलन काल 2 सेकंड हो, मतलब 2 सेकंड में वह अपना 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करे, तो इस तरह के लोलक को हम क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। मतलब ऐसा लोलक जिसका दोलन काल टी इक्वल टू कितना हो, 2 सेकंड हो। तो ऐसा लोलक जिसका दोलन काल 2 सेकंड हो, ऐसे लोलक को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पेंडुलम कहते हैं। यहाँ पर देखो जब 2 सेकंड को लेके हम उसके इफेक्टिव लेंथ को फाइंड करें, प्रभाव का लंबाई को, तो चूंकि हमको पता है टी इक्वल टू होता है 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, दैट इम्प्लाइज इसका दोनों साइड का हम पूर्ण वर्ग कर दें, दैट इम्प्लाइज तो दोनों साइड का होल स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर एल अपॉन जी। यहाँ से हमको इसका प्रभाव का लंबाई निकालना है कि इस तरह के लोलक की प्रभाव का लंबाई कितनी होती है, कि सेकंड पेंडुलम अपने पास हो तो उसके लिए हमको कितना लंबा थ्रेड का, रस्सी का, धागे का जरूरत पड़ेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताया कि ऐसा लोलक जिसका दोलन काल 2 सेकंड हो वो सेकंड पेंडुलम कहलाता है, सेकेंडरी पेंडुलम कहलाता है। एल को इधर मैं ट्रांसफ़र कर दूँ तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर हम ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी और अपॉन 4π स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर दें तो टी क्या है, 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड हम पुट कर दें तो यह हो जाएगा 2 की स्क्वायर इंटू जी का वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में पुट करते हैं, सेंटीमीटर में लेंथ निकालना है तो जी के वैल्यू को 980 पुट कर देते हैं, 980 होता है तो 9π डेट होता है, जिसको हम सीजीएस में कितना लिख सकते हैं, 980 ये, और ये हो गया 4 × 3.14 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद करके रख सकते हो, और इसका जो वैल्यू आएगा वो 99.34 के नियर अबाउट आता है, ठीक है। तो ये आ जाता है 99.34 सेंटीमीटर में, जिसको हम लगभग कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और जो कि क्या कहलाएगा, 1 मीटर। इस प्रकार से सेकंड पेंडुलम क्या हुआ, सेकंड पेंडुलम एक स्पेशल प्रकार है। सेकंड पेंडुलम जो है वह सरल लोलक का एक स्पेशल टाइप है। इस स्पेशल टाइप के पेंडुलम में क्या खास बात होती है, कि इसका दोलन काल 2 सेकंड होता है, मतलब 2 सेकंड में 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है, 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड का समय लेता है, और इस बेस पर, इस 2 सेकंड के बेस पर हमने इसका इफेक्टिव लेंथ निकाला, प्रभाव का लंबाई निकाला, तो हमको क्या मिल गया, 1 मीटर। मतलब सेकंड पेंडुलम का जो लंबाई होता है, सेकंड पेंडुलम का जो लंबाई होता है वह नियर अबाउट 1 मीटर के आसपास होता है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट होता है 99.34 के आसपास, जिसको हम 1 मीटर मान सकते हैं, तो यह कहलाता है सेकंड पेंडुलम। बहुत छोटा छोटा टॉपिक कुछ पढ़ाना था आपको, वो मैंने यहाँ पर आप एक्सप्लेन करना है आज के क्लास में। ये हो गया हमारा सेकंड पेंडुलम। अब हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट जो हम पढ़ें उस पर ऊर्जा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल का एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्ती गति करने वाले पिंड का, पिंड की ऊर्जा,
यहाँ पर हम निकालते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका एनर्जी कितना होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पिंड का एनर्जी पर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे उसकी गतिज ऊर्जा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो हमको मालूम है किसी भी पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है वह 1/2 mv² के बराबर होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता है, चूंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² ये होता है, दैट इक्वल टू 1/2 m। अब हमने पढ़ा है कि इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पिंड का जो रेखीय वेग होता है भी, वो ओमेगा के फॉर्म में यदि हम उसका वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ओमेगा के फॉर्म में उसका वैल्यू हो जाता है क्या, वी इक्वल टू ओमेगा √a² - y² इस वैल्यू को हम पुट अप कर दें। तो चूंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसका वैल्यू कितना होता है, चूंकि वी इक्वल टू ओमेगा √a² - y² ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ओमेगा √a² - y² ये पहले के क्लास में आपने तैयार किया है, पहले ही लेक्चर, पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पिंड के रेखीय वेग का वैल्यू निकाला था। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर दें, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करने से क्या मिल जाएगा अपने को, ये ओमेगा √a² - y² का होल स्क्वायर, चूंकि वी का वैल्यू इतना होता है, दैट इक्वल ये हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा a² - y² ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पिंड का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह 1/2 m ओमेगा स्क्वायर √a² - y² के बराबर होता है। तो आपको इस फार्मूला को याद रखना है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला से अपन न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और ग्राफ में भी इस न्यूमेरिकल को अपन यूज़ करते हैं, इसको फार्मूला को यूज़ करते हैं, ओके। तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पिंड की गतिज ऊर्जा। अब हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पिंड की स्थितिज ऊर्जा। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इंग्लिश में अपन कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो सरलावर्ती गति करता है, सरलावर्ती गति करने वाले पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कार्य के बेस पर निकाला जाता है, क्योंकि कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कार्य निकालें तो सबसे पहले हम इसके जब कार्य की गणना करेंगे तो किसी पिंड पर पहले कोई बल नहीं लगाया गया है और बाद में एफ बल लगाया गया है तो होता है औसत बल। यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है औसत बल गुणित दूरी मतलब विस्थापन। औसत बल गुणित विस्थापन के बराबर होता है। अब औसत बल क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बल शून्य, बाद का बल एफ, तो 0 + f/2 ये औसत बल हो जाएगा, और गुणित विस्थापन, तो विस्थापन को हमने यहाँ पर क्या लिया है, वाई लिया है, तो विस्थापन को हम यहाँ पर वाई लेते हैं तो हो जाएगा औसत बल गुणित विस्थापन, ठीक है, विस्थापन का वैल्यू वाई ले लेंगे। अब देखो जब औसत बल अपने को निकालना है तो हो जाएगा 1/2 f × y, दैट इक्वल टू 1/2 बल को लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित ये वाई हो जाएगा, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण न्यूटन के नियम से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो f का वैल्यू है इस f के वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, m × α लिख दिया, ओके। अब यहाँ पर भी हमको पता है कि फार्मूला आपको पता है, ये चूंकि अल्फा जो होता है वह −ω² × y के बराबर होता है, तो अल्फा −ω² × y होता है सरलावर्त, ये सब आप प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हो। देखो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि आज का जो मेरा क्लास है वो उन चीज़ों को, उन छोटी छोटी चीज़ों को लेके है जो पीछे के टॉपिक से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो किसी भी स्टूडेंट को ये चीज़ यदि इस क्लास में समझ में नहीं आ रहा होगा दैट मीन्स वो सीधा इसी वीडियो को देख रहा है। इसके पहले आपको 4 वॉल्यूम को देखना पड़ेगा मेरे दोलन के चैप्टर के। तो जब तक आप दोलन के चैप्टर के पूरे 4 पार्ट को नहीं देखेंगे ये चैप्टर टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ये तो लास्ट क्लास है इसका, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने बचाई थी कि बाद में समझाऊंगा, वो सब मैं बता रहा हूँ क्योंकि पूरे पढ़ने के बाद इनको समझाने से वो अच्छे से समझ में आता है। जैसे मैं सेकंड पेंडुलम समझाया
तो आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि उससे पहले आप सरल अलग पढ़ चुके हो। उसके बाद ऊर्जा पढ़ा रहा हूँ तो ये भी आसानी समझ में आना चाहिए, ये आप पढ़ चुके हो। इसके पहले ये जो मैंने फार्मूला यूज़ किया, ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये फार्मूला भी आप पहले पढ़ चुके हो, तो उस पर आधारित ये टॉपिक है। अब उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर। अब देखो ये जो किया गया कार्य है, तो किसी भी पिंड पर किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। तो अब इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2m और अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू हम पुट कर दें, यहाँ पर माइनस साइन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर क्या बताता है, दिशा बताता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इस तरह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वह 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के बराबर होता है। तो ये होता है सरल आवर्ती गति करने वाले पिंड का की कुल ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई के बराबर होता है। क्लियर? तो ये फार्मूला आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं टोटल एनर्जी। अब हम पढ़ लेते हैं कुल ऊर्जा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुल ऊर्जा, तो कोई भी पिंड जब सरल आवर्ती गति करता है तो उसमें कुल ऊर्जा कितना होता है, इसको हम कह देते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होता है वह उसके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है, देखो सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है हमने 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, सरल करें, 1/2m स्क्वायर वही ओमेगा स्क्वायर का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमको जो टोटल एनर्जी है, टी ई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, वह मिल जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी का वैल्यू है 1/2m वाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों एनर्जी पढ़ लिया, ये ध्यान से समझिए आप। ये सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी एक बार देखता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से पढ़ो आप। काइनेटिक एनर्जी 1/2m वी स्क्वायर होता है, 1/2m वी स्क्वायर को हमने यहाँ पर वी का वैल्यू को यहाँ से ला के पुट अप कर दिया, ये स्क्वायर किया तो ये वैल्यू हमको मिल गया, ये काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बाद हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखा। तो पोटेंशियल एनर्जी में देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी कार्य के बराबर होगा, तो कार्य बराबर औसत बल गुणित विस्थापन, और इस तरह से ये अपने को फाइंड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो इसमें एनर्जी ग्राफ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी ग्राफ क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक चार्ट ड्रा करें और उसके बेस पर हम यदि ग्राफ निकालें, तो यहाँ पर हमको जो एनर्जी का थ्योरम है, वर्क एनर्जी का थ्योरम है, कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, न तो नष्ट की जा सकती, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। आपने पढ़ा है लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम, ये इस ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ सिंबॉलिक मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर आप उसको उसी तरह से बना लेंगे। इसके वैल्यूज पुट अप करने के लिए अपन
काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हम एक चार्ट डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखो थोड़ा ध्यान देना, ये y का वैल्यू है, मतलब y इक्वल टू, तो y का वैल्यू हम पुट अप कर दें, सपोज एक बार a by 2, फिर a, फिर माइनस a by 2 और माइनस a, यदि हम पुट करें तो उस कंडीशन में तीन चीज़ों को हम लिखें। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर लिख रहे हैं टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना, काइनेटिक y इक्वल टू a बाई टू के लिए यहाँ पर थोड़ा स्पेशल केयर करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं y इक्वल टू a बाई टू के लिए, एक दो बस मैं निकाल के बता रहा हूँ, बाकी फिर आप उसे निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल रहा हूँ सबसे y इक्वल टू a बाई टू के लिए, यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी फॉर y इक्वल टू a बाई टू, यदि a बाई टू के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं, तो यहाँ पर यदि मैं y का वैल्यू a बाई टू पुट कर दूं, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर a बाई टू पुट कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, यहाँ a बाई टू पुट करूँ तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा दैट इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू 4, यहाँ पर एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 3a² / 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 3/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर आगे देखो आप, जो टोटल एनर्जी हमने निकाला है 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, इसको हम सपोज कर लेते हैं e के बराबर, चूँकि टोटल एनर्जी को हमने e सपोज कर लिया है, थोड़ा ध्यान देना ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो वैल्यू निकाला हूँ मैं वो हो गया 3/2m ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ये ये 1/2 गति जुड़ जा, ये 1/2 दैट मीन्स ये 1/2 एक सेकंड 3 × 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, क्यों कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, 3/4 ये 4 को लिखना भूल गया मैं, ये इंटू 4 भी रहेगा, ये तो हाई है 1/2, तो 3/4 इसको लिखा जा सकता है 3/4 और ये e के बराबर है, मतलब ये हो जाएगा 3/4e, ये हो जाएगा 3/4e, तो पूरा उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो चार्ट में मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आप समझो कि यदि हम a बाई टू इसका वैल्यू रखें, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाला है, इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3e बाई 4। और इसी तरह से यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ उसके लिए a बाई टू के लिए, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर y इक्वल टू a बाई टू के लिए, इसके लिए यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 × 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ये लिखा जा सकता है 1/4, ये टोटल एनर्जी के बराबर है, ई के बराबर। देखो टोटल एनर्जी को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ई लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमने टोटल एनर्जी को ई सपोज कर लिया है, ये जो टोटल एनर्जी का वैल्यू है उसको ई सपोज कर लिया है, तो क्या आ गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया ई बाई 4, दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई बाई फोर लिख सकते हैं। और इस तरह से आप ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ूंगा मैं,
E/4 और 3E/4 को जोड़ूंगा तो E मिलेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती ना तो नष्ट हो सकती, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। तो यह चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। यदि हम उसके आयाम को A/2 रखें तो पोटेंशियल एनर्जी E/4 आएगा, काइनेटिक एनर्जी 3E/4 आएगा, टोटल एनर्जी E ही आएगा, हर कंडीशन में आएगा। अब यदि इसकी वैल्यू को A पुट अप किया जाए, अब यदि इसके वैल्यू को हम A पुट अप कर दें, ध्यान रखना, तो A पुट अप करने पर उसका वैल्यू कितना आएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, वहाँ पर आप पुट करके देख लेना पीछे, या एक बार बता ही दूँ। ये देखो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, और इस काइनेटिक एनर्जी में यदि हम इसके जगह में A पुट कर दें, इसके जगह में A पुट करेंगे तो A² कट जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू E हो जाएगा, आप देख लेना, और टोटल किसके बराबर रहेगा, E के बराबर रहेगा। इस तरह से, इसी तरह से माइनस A/2 रखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी 3E/4 होगा, ये 3E/4 होगा होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पर चेंज नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, E/4 होगा यहाँ पर, और टोटल एनर्जी E ही रहेगा। और यदि माइनस A पुट अप किया जाए तो माइनस A जब पुट अप करेंगे तब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना रहेगा, E रहेगा, और तब भी टोटल मान इसका E होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप नीट IIT वगैरह का प्रिपरेशन करेंगे तब ये चार्ट बहुत यूजफुल है। और इस चार्ट को लेकर यदि हम ग्राफ ड्रा करें, यदि इस चार्ट को लेकर हम ग्राफ ड्रा करें तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बीच में किस तरह का ग्राफ मिलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। चलिए तब इस पर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हम इस पर ग्राफ बना लें तो किस तरह से होगा, देखो यहाँ पर जो मैं स्केल कंसीडर कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर जो मैं स्केल कंसीडर कर रहा हूँ ये ओरिजिन है, 0 है, उसके बाद राइट साइड में हम जा रहे हैं तो ये A/2 है, इसके बाद ये हो जाएगा A, लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो -A/2 होगा और ये हो जाएगा A, इस तरह से। और यदि हम ऊपर अब जाते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू लिखते हैं, वो है E/4, ये हो गया E/4, उसके बाद हमने लिख लिया 3E/4, ये हो गया, और ये इसका वैल्यू कितना हो गया, E हो गया। इस प्रकार से हमने इसको स्केल में डिवाइड कर लिया कि किसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख लिया E/4, फिर 3E/4 जितना हमको ज़रूरत है, और लास्ट में E, इस तरह से। अब इसके लिए ग्राफ हम ड्रा करें तो ग्राफ में यहाँ पर देखो आप पीछे से कि जब A/2 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी E/4, काइनेटिक एनर्जी 3E/4 होता है। तो सबसे पहले E/2 के लिए हम देखें तो यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन अपने को मिलेगा। ये देखो A/2 के लिए हम यदि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रा करें तो A/2 जब उसका वैल्यू होगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, E/4, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ध्यान देना, A/2 पर पोटेंशियल एनर्जी E/4, तो ये हो जाएगा E/4, A/2 पर E/4, ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसके बाद A पर क्या होगा, देखो A पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू E होगा, जब इसका वैल्यू A रखेंगे तो इसका वैल्यू E होगा, तो सीधा हमको पॉइंट मिल जाएगा, ये E वाला पॉइंट मिलेगा और ये 0 वाला पॉइंट मिलेगा। निगेटिव में चले आएंगे तो निगेटिव वैल्यू में भी इसका वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेगा, इस तरह से, ओके। और यहाँ पर हमको A पर इसका वैल्यू मिल जाएगा 3E/4, A पर इसका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ 3E/4। इस पॉइंट्स को हम मिला दें तो हमको इस तरह से एक ग्राफ मिलेगा। अब पॉइंट्स एग्जैक्ट उस जगह में नहीं आया, आप देख लेना, ये हमको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मिलेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। इसी तरह से यदि हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रा करें तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हमको इस तरह से मिलेगा, एक मिनट उसको दूसरे कलर से मैं शो कर देता हूँ, मिक्स मत हो,
थोड़ा देख लेना ग्राफ को, क्योंकि यहाँ पर स्केल नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रा किया है कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ई बाई फोर होता है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी थ्री ई बाई फोर होता है। ई बाई फोर, थ्री ई बाई फोर, यहाँ पर देखो ये जब ई बाई थ्री होता है तो ये थ्री ई बाई फोर होता है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये थोड़ा सा ये ग्राफ इधर जाएगा। तो यहाँ से क्या शो होता है कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ते जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। जब यह जीरो होता है तो यह मैक्सिमम होता है, और जब यह जीरो होता है तो यह मैक्सिमम होता है। तो यह जो ग्राफ है यह शो करता है, आप इसको बराबर इसके बेस पर ग्राफ को बनाओगे, इसके बेस पर आप ग्राफ को बनाओगे ए बाई टू ए माइनस ए बाई टू माइनस ए, तो इसका वैल्यू ई बाई फोर तो इसका थ्री ई बाई फोर, इसका वैल्यू ई तो इसका जीरो, इसका ई बाई फोर तो इसका थ्री ई बाई फोर, इसका ई तो इसका जीरो। इस तरह से ये ग्राफ हमको मिलता है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राफ को आपको ध्यान में रखना है कि जिस रेशियो में काइनेटिक एनर्जी घट रहा है उसी रेशियो में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, ये कहलाता है ग्राफ। तो ये हमारा आज का जो क्लास है दोलन का कंप्लीट 100% पूरा हो गया। ये दोलन का टॉपिक यही कंप्लीट हो गया, हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको अलग से कराएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि 11th क्लास का अभी हमारा लाइव क्लास चल रहा है जो इवनिंग में 8 PM में होता है, वो तो अलग से चल रहा है, हमने शुरू किया है, अभी हमने भौतिक जगत स्टार्ट किया है शुरू से। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो उस क्लास को ज्वाइन करें, और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पहले पढ़ चुके हैं उसको भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ये उनके लिए। अब मैं 11th के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक चैप्टर हमारा बचा है, तरंग। तो तरंग का भी मैं चैप्टर आपको रिकॉर्डेड क्लास में दे दूंगा, ताकि मेरा 11th क्लास का प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए। और कोई भी स्टूडेंट यदि पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक यदि कंटिन्यूअस देखना चाहे तो प्लेलिस्ट में उसके लिए पूरा क्लास अवेलेबल रहेगा। और बाकी हम सेशन 2023 के लिए क्लास चला ही रहे हैं जो लाइव क्लास में रूप में होता है, और वो आपको 23 के सेशन तक 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आप तैयार करिए। ओके, थैंक यू सो मच।